भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले यहाँ लाखों की तादाद के अंदर यहाँ अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर संसद का घेराव किया है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के सामने आई, हमारे बीच में एक नेताजी हैं और सोशल वर्कर हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर यहाँ आए। सर आपका नाम? मेरा नाम मनोज मिश्रा है, मैं मध्य प्रदेश जिला दतिया से आया हुआ हूँ। भारतीय मजदूर संघ से संबद्धता है हमारी। और मध्य प्रदेश से आए आप? जी सर, क्या मांगों को लेकर आए हैं? मध्य प्रदेश में विगत 8 वर्षों से अतिथि शिक्षक सेवा व्यवस्था शिवराज सिंह जी की सरकार में संचालित हुई थी। विगत 8 वर्षों में मध्य प्रदेश में 80,000 परिवारों से युवाओं का शोषण हो रहा है, क्योंकि मात्र 2500 रुपये में उनसे एक नियमित शिक्षक की तरह सेवाएं ली जा रही हैं, मात्र 3500 रुपये में वर्ग 2 के व्यक्ति से सेवाएं ली जा रही हैं, मात्र 4500 रुपये में वर्ग 1 के व्यक्ति से सेवाएं ली जा रही हैं। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से कि क्या इतने अल्पमानदेय में किसी एक सामान्य व्यक्ति का जीवन यापन करना संभव है? वहीं शिवराज जी सरकार द्वारा कहीं ना कहीं हमसे अकुशल और असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति गुरुजियों को विभागीय पात्रता परीक्षा और बिना डीएड बीएड के नियमित कर दिया गया, संविदावर 3 में नियोजन कर दिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में 80,000 अतिथि शिक्षक आज भी अपने नियमितीकरण की बात जो रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार का ये दोगलापन, ये दोहरी नीति और दोहरे मापदंड 80,000 परिवारों को मध्य प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए बातें कर रहे हैं। आज इसी क्रम में हम लोग भारतीय मजदूर संघ के बैनर के तले दिल्ली स्तर पर अपनी बात केंद्रीय और प्रधान नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मनोज जी, अभी जब शिवराज चौहान जी का जब चुनाव था, उन्होंने कहा जी इस बार मेरी सरकार बनाओ, मैं तो आपका भैया हूँ और आपके बच्चों का भांजा हूँ। भांजा कहकर उन्होंने और भैया कहकर महिलाओं को वोट इकट्ठा करने का काम किया और उन्होंने सरकार बनाई, तो वो आपके मामा हैं या नाना हैं? ये दोनों ही शब्द उनके लिए उचित नहीं बैठते, क्योंकि भावनात्मक शब्दों से व्यक्ति का पेट नहीं भरता। जी निश्चित रूप से जिन भावनाओं के कारण आज तक हम लोग चले गए हैं, आगामी भविष्य में इस बात का उत्तर उन्हें दिया जाएगा। ये कब तक, जो 2018 में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आप लोग इस तरीके की व्यवस्था बनाएंगे? निश्चित रूप से अगर सरकार इस बात के लिए बाध्य करेगी तो ये व्यवस्था बनाना हमारी अनिवार्यता होगी। धन्यवाद।